हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि फाइनेंशियल में होता क्या चीज़ है। जैसे मान लो कि आप लोग कभी खरीदारी कुछ करने गए हो, कुछ खरीदने गए हो कभी, आपके घर में खरीदने जाते हैं ना, तो जब आप लोग कुछ भी खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप देखेंगे तो दुकान वाला कहेगा कि क्या आप इस चीज़ को कैश करेंगे, यानी कि कैश परचेज करेंगे, नगद खरीदेंगे, या फिर आप भैया इस चीज़ को फाइनेंस कराएंगे। क्या कराएंगे? फाइनेंस बोलता है ना। अगर आप किसी भी चीज़ को नगद खरीदते हैं, जैसे फाइनेंस लोग कब करवाते हैं, जब बड़ी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि अगर आप मोटरसाइकिल खरीदने जाओ, टीवी खरीदने जाइए, कूलर खरीदने जाइए, एसी खरीदने जाइए, रेफ्रिजरेटर खरीदने जाइए, या आप फोर व्हीलर है ना, टू व्हीलर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लोरो खरीदने जाएंगे, ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे, तो ऐसे समय में आप लोग क्या कराते हैं, या तो कैश खरीदते हैं, या आप लोग एक और भाषा में समझते होंगे जिसको आप लोग बोलते हैं कि लोन कराए हैं। क्या कराए हैं? लोन है ना। जैसे मान लो कि गांव वाले में तो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि भैया लोन कराए हैं, फाइनेंस नहीं बोलते हैं, काहे कि वो अंग्रेजी है, वैसे लोन भी अंग्रेजी शब्द है, लेकिन लोन जो है वो छोटा वर्ड है और इसको बोलने में और सुनने में भी आसान है सबके लिए। तो इसमें जब आप लोग किसी भी चीज़ को कैश खरीदेंगे तो वो थोड़ा क्या होता है कि उसकी कीमत में थोड़ा सा गिरावट होता है ना, मतलब कि वो चीज़ आपको क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। और अगर आप उसी चीज़ को फाइनेंस कराते हैं, यानी कि लोन कराते हैं, तो आपको क्या होता है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। जैसे मान लो अभी आप किसी एजेंसी पे चले जाओ और एजेंसी पे आप जाकर के बोलोगे कि हमको मोटरसाइकिल ख़रीदना है, हम फाइनेंस कराएंगे, यानी कि हम लोन कराना चाहते हैं। लोन कौन कराता है, फाइनेंस कौन कराता है? जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, यानी मान लो कि हमारे पास 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है और हम मोटरसाइकिल ख़रीदने जा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारे पास जब पूरा पैसा नहीं होता है तभी हम लोग फाइनेंस कराते हैं, यानी तभी लोन कराते हैं कि 20,000 30,000 दे करके गाड़ी ले आएंगे, बाकी उसको किस्त हम देंगे, ऐसे ही तो करते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को कैश खरीदेंगे तो वो सस्ता पड़ता है, और अगर जो आप किसी भी चीज़ को आप महंगा, यानी कि आप लोन कराते हैं या फाइनेंस कराते हैं, तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है, यानी कि फाइनेंस इसमें कराते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब अगर आप किसी भी चीज़ को फाइनेंस कराएंगे, क्या कराएंगे, यानी कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं, आप खरीदने जाएंगे, तो जब आप खरीदने जाएंगे और उस स्थिति में आप फाइनेंस कराते हैं, यानी कि आप लोन कराते हैं, तो जब आप लोन कराएंगे तो जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उस अमाउंट पे आपसे क्या लिया जाएगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज लिया जाएगा। यानी आप कभी भी कोई भी चीज़ अगर जो खरीदते हैं तो लोन कराते समय आपको महंगा क्यों पड़ता है, क्योंकि जो उसकी राशि होती है उस राशि पे आपसे अतिरिक्त धनराशि ली जाती है, यानी कि इंटरेस्ट लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है। इस नाते कभी भी आप कोई भी चीज़ अगर जो खरीदते हैं और वह लोन कराते हैं, यानी फाइनेंस कराते हैं, तो आपको महंगा पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि उस पर अतिरिक्त भार लगाया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो इस नाते वो महंगा पड़ता है। अब हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट को आप आसान भाषा में समझिए कि अगर हमारे पास कोई भी मूल धनराशि है, सपोज दैट मान लो कि आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया आपने किसी से लिया, और 10,000 के बदले में उसको भुगतान कितना कर रहे हैं आप लोग, 12,000 कर रहे हैं ना, लिए कितने थे आप, 10,000, दे कितने में रहे हैं, दे कितना रहे हैं, 12,000। तो यानी अगर आप 10 ले के 12 दे रहे हैं, यानी इसमें अतिरिक्त धनराशि आप दे रहे हैं कितना, 2,000, तो इस 10,000 का कुछ परसेंट होगा ये, है ना, तो जो भी परसेंट आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। यानी जब आपके मूल धनराशि से अतिरिक्त धनराशि आपको पे करना पड़ जाए, तो आप समझ जाइए कि इस धनराशि में हमसे क्या लिया जा रहा है, ब्याज लिया जा रहा है। अब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, या किसी से आप लोन लेते हैं, या किसी को आप लोन देते हैं, तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करनी होगी वो दो टाइप से आपको मिलेगा। जैसे मान लो
इंटरेस्ट जो होगा, इस इंटरेस्ट में यानी कि दो टाइप के होंगे। एक हम बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं? जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट यानी कि जिसको हम बोलेंगे साधारण ब्याज, क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। देखिए बाबू, एक कंप्यूटर में जो फाइनेंशियल फंक्शन है, इस फाइनेंशियल फंक्शन को समझने के लिए आपको ब्याज जानना जरूरी होगा, क्योंकि जब आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आगे हम फार्मूला पढ़ाएंगे, पीएमटी, आईपीएमटी, आईएपी, पीएमटी, ये सब चीज़ें, तो उसमें आपका इंटरेस्ट पे ही कैलकुलेशन होगा। तो किस इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन हो रहा है इसको भी जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि साधारण ब्याज पे हो रहा है या चक्रवृद्धि पे हो रहा है। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम बता देते हैं बैंक वाला खेला, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जिसको आप लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? तो ये जनरल इंटरेस्ट हो गया, एक साधारण इंटरेस्ट हो गया। देखिए जनरल इंटरेस्ट की अगर जो हम लोग बात करें, जैसे मान लो कि अगर आप लोग बैंक में क्या करते हैं, बैंक में यदि आप डिपॉजिट करते हैं, तो बैंकर आपको क्या करता है, वहाँ पे जनरल इंटरेस्ट देता है। क्या देगा? जनरल इंटरेस्ट देगा। लेकिन अगर आप बैंक में, नमस्ते भैया, बैंक से यदि आप लोन लेते हैं, क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, तो बैंक क्या करता है? चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है। यानी बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो साधारण ब्याज, और बैंक से पैसा लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा होता है, तभी तो आप देखते हैं कि अगर आप किसी से कर्जा ले लेते हैं, यानी बैंक से आप जाइए और इंटरेस्ट ले लीजिए, तो आज आप 1 लाख लिए हैं ना, तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जाएंगे ना, तो 1 लाख नहीं, कम से कम आप लोग को 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 रुपये आपको भुगतान करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो उसमें ब्याज लगता है वो कैसा लगता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और जनरल इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें दोनों में अंतर है। जैसे मान लो जनरल इंटरेस्ट की अगर जो हम बात करें, तो जनरल इंटरेस्ट कभी भी हमारा मूलधन में चेंज नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज धन होता है वो मूलधन में बदल जाता है, और फिर उस पर भी इंटरेस्ट लगाया जाता है। सपोज दैट कि मान लो आप लोग बैंक में जाइए, और बैंक में आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, मतलब आपने डिपॉजिट किया, बैंक जो है बहुत कम, यानी कि मान लो कि बैंक वाला आपको 3% का इस पर ब्याज दे रहा है। कितना परसेंट? 3%। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1,03,000। कितना हो जाएगा? 1,03,000 हो जाएगा। अगर ऐसे ही आप बैंक से जाइए और आप लोन लेते हैं, क्या लेते हैं? लोन लीजिए। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपया लिया, तो 1 लाख रुपये पे ये तो है नहीं कि 3% ही लेगा, क्योंकि आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो ब्याज कम मिलता है, लेकिन बैंक से यदि आप कर्जा लेंगे तो आपको ब्याज ज़्यादा देना होगा। तो आपने अगर यहाँ पर यानी कि इंटरेस्ट मान लो कि ये 3% मिला, तो 1,03,000 हुआ, तो जो नेक्स्ट ईयर आपको जब इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, तो वो कितना आएगा? 3,000 ही आएगा। यानी तभी हो जाएगा दूसरे साल 1,06,000। कितना होगा? 1,06,000। लेकिन यही चीज़ अगर कंपाउंड में रहेगा, तो जो ये 3,000 अतिरिक्त हमको मिला था, ये किस में बदल जाएगा? मूलधन में। तो जब दूसरा साल हमारा ब्याज हमको देना रहेगा या लेना रहेगा, तो 1,03,000 पे ही रहेगा। यानी इसमें इंटरेस्ट जो हमारा ब्याज धन होता है, इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन जब आप लोन लेंगे, तो जो आपका इंटरेस्ट बनता है यानी इंटरेस्ट अमाउंट होगा, उस अमाउंट पर भी आपका इंटरेस्ट लगाया जाता है। किसमें? कंपाउंड में। यानी कंपाउंड में ध्यान रखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज धन मूलधन में परिवर्तित हो जाता है, जबकि साधारण ब्याज में हमारा जो मूलधन होता है वो कभी भी, ब्याज धन जो होता है वो मूलधन में बदलता नहीं है। तो इस नाते इसमें ब्याज हम लोग को कम मिलता है, और अगर जो हम लोन लेते हैं तो ब्याज धन हमको बहुत ज़्यादा देना होता है।
क्योंकि ये कंपाउंड है और ये जनरल है, तो ये स्थितियाँ होती हैं इसमें। अब हम लोग समझते हैं कि हमारा फाइनेंशियल फंक्शन करता क्या है। देखिए फाइनेंशियल फंक्शन में हम लोग फार्मूला सीखेंगे जिसका नाम होगा PMT, जिसका पूरा नाम होता है पेमेंट। क्या होता है? पेमेंट। ये पेमेंट कैसे करता है और इसका काम क्या है ये जानते हैं। देखिए PMT क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ की खरीदारी करेंगे, क्या करेंगे, यानी आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, परचेज करेंगे, और परचेज का यानी आप कोई भी चीज़ अगर जो परचेज कर रहे हैं लेकिन वो उधार कर रहे हैं, उधार का मतलब कि उस चीज़ का आप लोग फाइनेंस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, फाइनेंस करा रहे हैं। तो जब आप फाइनेंस कराएंगे यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं लोन, है ना, आप लोन करा रहे हैं। जैसे मान लो अभी आप किसी एजेंसी पे चले जाइए तो बोलिएगा कि हमको गाड़ी ख़रीदना है, तो वो बोलता नहीं है, या आप एजेंसी पे जाते हैं तो ये जान के जाते हैं कि यहाँ पे फाइनेंस होता है ना। तो ऐसी स्थिति में आप लोग बोलते हैं कि हम 20,000 पेमेंट कर सकते हैं, बाकी मान लो 70,000 की गाड़ी है तो उसको किस्त बना के दे दिया जाता है। तो PMT का काम यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं और सपोज़ दैट वो ख़रीदते हैं लोन कराते हैं यानी कि फाइनेंस पे लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में PMT का काम होता है इंस्टॉलमेंट की गणना करना। क्या करना? इंस्टॉलमेंट का ये गणना करता है यानी ये कैलकुलेशन करेगा किसका, इंस्टॉलमेंट का। जैसे मान लो कि आप जाइए और बोलिए आपको गाड़ी ख़रीदना है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर कोई भी, एजेंसी पे आप चले जाइए, एजेंसी वाला बोलेगा कि अगर आप मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं फाइनेंस कराते हैं तो आपको ये गाड़ी मिल जाएगा 70,000 रुपये में, कितने में बोलता है, इस 70,000 में आपको डाउन पेमेंट करना होगा। डाउन पेमेंट जानते हैं ना, हैं, मतलब आपको कुछ भुगतान कर देना होगा, जैसे कि 20,000 30,000 40,000, जितना ज़्यादा कर देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आपको डाउन पेमेंट कराएगा, सपोज़ दैट आपने डाउन पेमेंट कर दिया 30,000, कितना कर दिया 30,000, फिर बोलेगा कि आपका बचा हुआ राशि कितना है 40,000, है ना, तो बोलेगा कि जो ये 40,000 रुपया भैया, इस 40,000 रुपये को आपको देना होगा 36 महीना में, कितने महीने में, 36 माह में, और प्रत्येक माह में वो अपना गुणा भाग कर लेगा जितना भी आएगा। तो बोल देगा सपोज दैट हो सकता है कि 2500 आया एक महीने का, तो 2500 रुपया प्रति माह आपको रेगुलर कब तक देना होगा, 36 महीने तक, है ना। तो ये चीज़ें आती हैं इसमें। PMT का काम क्या है, हमने कहा PMT सीधे सीधे कैलकुलेशन जो करता है वो इंस्टॉलमेंट की करता है। जैसे कि मान लो PMT का आप किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं या किसी को आपने लोन दिया, जैसे कि मान लो कि 1,00,000 रुपया आपने क्या किया, किसी को लोन दे दिया। अब आप कह रहे हैं कि जो मैं आपको 1,00,000 रुपया दे रहा हूँ, इस 1,00,000 रुपये पे आपसे मैं 12% का क्या लूँगा, ब्याज लूँगा, यानी लोन है कितना 1,00,000, इस पे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 12%। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि जो ये पेमेंट है, इस पेमेंट को भी आपको जो भुगतान करना है वो 3 वर्ष में करना है, कितने वर्ष में करना है, 3 वर्ष में करना है। तो ऐसी स्थिति में आपसे कस्टमर भी पूछ सकता है या आप खुद उसको बताएंगे भी, मान लो कि आपने कहा कि 3 वर्ष में इसका भुगतान करना है, ठीक है, तो बोलेगा कि जो ये भुगतान है भैया, आप ऐसा करिए कि हमको महीने का दे दीजिए या सप्ताह का दे दीजिए या फिर तिमाही का कर दीजिए या छमाही का कर दीजिए, यानी इंस्टॉल लेने वाले का और देने वाले का दोनों का हल्का हो जाता है, आपको इंस्टॉलमेंट जल्दी जल्दी मिलते हैं और उसका इंस्टॉलमेंट थोड़ा कम पैसे में भुगतान भी हो जाता है। तो PMT यानी अगर आपने किसी को लोन दिया 1,00,000 रुपया, 12% का ब्याज दर है उस पर, और 3 वर्ष में उस व्यक्ति को लौटाना है,
तो जब इसकी इंस्टॉलमेंट की, किसकी, इसकी इंस्टॉलमेंट की अगर गणना करनी होगी तो प्रयोग किया जाएगा किसका, पीएमटी का। पीएमटी एक ऐसा फार्मूला है जो इंस्टॉलमेंट की गणना अलग अलग प्रकार से कर सकता है। करने का मतलब है कि जो पीएमटी है हमारा, ये पीएमटी जो इंस्टॉलमेंट है, क्या चीज़ है, इंस्टॉलमेंट, या जिसको आप लोग बोलते हैं किस्त, क्या बोलते हैं, किस्त, यह किस्त वार्षिक भी कर सकता है, यानी वार्षिक का भी इंस्टॉलमेंट निकाल सकता है। ये आप लोग जो बोलते हैं छमाही, यानी ये छमाही भी कर सकता है। अगर आप तिमाही चाहेंगे तो तिमाही भी ये कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये कैसा हो, मासिक हो, तो मासिक भी कर सकता है। यदि आप चाहते हैं साप्ताहिक हमको चाहिए, तो ये साप्ताहिक भी कर सकता है। यानी पीएमटी के द्वारा हम लोग वार्षिक इंस्टॉलमेंट, छमाही, तिमाही, मासिक या साप्ताहिक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसा कौन करेगा, पीएमटी। तो ये पीएमटी भैया करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि पीएमटी जो भी कैलकुलेशन करेगा उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड होगा। क्या होगा, कंपाउंड, यानी ये जनरल पर काम नहीं करता है, किस पे काम करता है, कंपाउंड पे काम करता है, क्योंकि ये लोन पे चल रहा है। वो लोन आपको कभी भी अगर जो मिलेगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यदि आप किसी से भी, जैसे मान लो कि आप बैंक पे जाइए, कहाँ पे जाइए, बैंक में, आप बैंक में जाएंगे ना, आप केसीसी का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं, केसीसी किसान जो होते हैं वो अपने खेतों पर लोन प्राप्त करते हैं, जिस पर उन लोग को पहले 11 महीना जो होता है, 11 माह, यानी 11 मंथ तक उन लोग का जो इंस्टॉलमेंट है वो बहुत कम देना होता है। लगभग पहले के समय में इस पर जो ब्याज होता था वो किसानों को मात्र जो होता था 6% भुगतान करना होता था, कितने महीने तक, 11 महीने तक। लेकिन 11 महीने के बाद तुरंत, जैसे ही 12 लगेगा ना, 12 मंथ अगर जो उनका हो गया, तो इस पर टोटल उनको कितना देना पड़ता था, और वो भी इंटरेस्ट कौन सा लगता है इस पर, ठीक, यानी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो इंटरेस्ट कौन सा मिलेगा, जनरल। लेकिन वही चीज़ अगर आप जाइए बैंक से, आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट कैसा मिलेगा, बैंक देता है यानी कि आपकी जमा राशि पे जनरल का, और जब वो आपको लोन देता है तो उस पर कंपाउंड लेता है। सेम यही स्थिति, जैसे आज के समय में आप मार्केट में जाइए, आपको मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदना है तो किस पे मिलता है, फाइनेंस, किस्त पे मिल जाता है। थोड़ा सा धनराशि आपको अधिक देना होगा, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है ना। छोटे छोटे शहरों में भी अब आज के समय में मिलने लगा है, लेकिन ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो अब लोगों को सामान खरीदने में भी आसानी है, और जो हमारे व्यापारी भाई होते हैं उनको बेचने में भी आसानी है, क्योंकि पहले की तुलना में आज अगर आप किसी भी चीज़ को इंस्टॉलमेंट पे बेचते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो आपकी बिक्री दर भी ज़्यादा होती है और आपको ख़रीदने में भी आसानी होता है। जैसे मान लो अब इनके पास 5,000 रुपया नहीं है, तो ये जाएंगे कहेंगे अभी आप हमारा 1,000 ले लीजिए, बाकी रहा 4,000, तो हम उसको 1,000 करके प्रत्येक महीने में दे देंगे। तो ऐसे में उसके प्रोडक्ट की सेलिंग भी हो गई, उसको उसमें मुनाफा भी हो गया, और इनको वो सामान भी मिल गया। तो इसमें दोनों लोग का बेनिफिट होता है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पीएमटी, यानी हम लोग पहले इंस्टॉलमेंट करना, यानी इंस्टॉलमेंट निकालना सीखेंगे कि किसी बैंक से, किसी दुकान से या किसी से भी आप लोन लेते हैं या लोन देते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, तो उस पर इंस्टॉलमेंट की गणना कैसे होती है वो हम लोग सीखेंगे। तो इंस्टॉलमेंट हम वार्षिक भी सीख लेंगे, छमाही, तिमाही, मासिक और साप्ताहिक सबका सीख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले पीएमटी।